पटना से बात कर रहा हूँ मैं, पटना से। आराम से बात करो। हाँ, छुड़वाना है यानी आपके बेटे को आगे ले जाए। गाइस, एक व्हाट्सएप पे बहुत ही फेमस स्कैम चल रहा है। बहुत लोग इस स्कैम को जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप ये स्कैम देख लोगे। और ये स्कैम आप ना चाहते हुए भी आप इस स्कैम पे विश्वास करना चाहोगे, क्योंकि भाई इसमें आपके फैमिली को इन्वॉल्व करके कुछ भी झूठ बोला जाएगा, और ऐसा झूठ बोला जाएगा कि आप इसको रियल भी मानोगे। और मेरे घर वाले भी आज ये रियल ही मान रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे कॉल किया गवर्नमेंट ऑफिसर बन के। तो गाइज, आप भी नहीं पकड़ पाओगे कि वो रियल है या फेक। मेरे घर में तो स्कैम नहीं हो पाया, क्योंकि मैं घर पे प्रेजेंट था और उन्होंने मेरे नाम लेके स्कैम करना चाहा, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो, और उसके बाद आप लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाओ कि भाई ये सब स्कैम से बचना है हमें। मैं SHO थाना सदर बात कर रहा हूँ। अभिषेक कुमार क्या लगते हैं आपके? अभिषेक कुमार मेरा बेटा लगता है। बेटा है ना ये जय राम सिंह, क्या आपके ये क्या ये हस्बैंड है ना? यस। हाँ, तो अभी ये आपके जो बेटा है ये अभी आपके कहाँ पर है? ये अभिषेक कुमार आपको मालूम है? हाँ पता है, आप घर पे ही है। घर पे ही है अभिषेक कुमार? घर पर अभी अभी जस्ट अभी जस्ट थोड़ा देर पहले वो बाहर गया हुआ कुछ काम से। थोड़े देर पहले ही मैंने उसको उठा लिया है। मैं SHO थाना सदर बात कर रहा हूँ, विजय कुमार सिंह। अच्छा, आपके बेटे को मैंने उठा लिया, ठीक है? आपके बेटे ने तीन चार लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया था। अभी लड़की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ी है। 95% चांस है कि वो मर जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, उसको छुड़वाना है या नहीं? अपने बेटे को मैंने पकड़ा है उसको, उसके लिए क्या परिवार सर सुनिए सुनिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी बात तो सुनो, आप इतने खुश ना हो, कोई अपने बेटे ने कोई इधर कोई आपका जहाज नहीं बना दिया जो आप खुश होकर पूछ रही है कि क्या करना होगा, ठीक है ना? न्यू है, मैंने खरीदी है, कोई 2025 मॉडल तैयार कर दिया जिस पर आप खुश हो रही है। अभी उसने एक बच्ची के साथ जाते की 15 से 16 साल उसकी उम्र है, अभी उसकी बेचारी की आवाज नहीं निकल रही है। तुम अगर पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। अच्छा, हाँ, अभी जो लड़की है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ी है। FIR में आपके को पकड़ लिया आपने, कुमार का नाम आया हुआ है। अगर आप उसको नहीं छुड़वाती हो तो उसका तो आपने एक सेकंड आपने अभिषेक कुमार को पकड़ लिया है? अभी बात करवाता हूँ, बात करो। हाँ हाँ, अभिषेक कुमार से बात करवाइए, और किस थाने में बंद किया है वो भी बताइएगा थोड़ा सा। आपको पता है अभी किधर क्या? जिस थाने में है वो भी आपको बता देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ जिस थाने से मैं बैठ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई आपसे कोई आपका मुलाजम नहीं हूँ कि आपको बताऊंगा नहीं, आपसे डरता नहीं हूँ। मैं भी नहीं डरती हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ ना कि किस थाने से, मतलब किस थाने में बंद किया आपने मेरे बेटे को। अपने इससे बात करो, अपने बेटे से। हाँ ठीक है, आराम से बात करो, आराम से बात करो। पटना से बात कर रहा हूँ मैं, पटना से। आराम से बात करो। हाँ, छुड़वाना है यानी आपके बेटे को आगे ले जाए? नहीं नहीं सर, छुड़वाना है, उसके लिए क्या करना होगा? तभी तो पूछ रही हूँ सर कुछ। उसके लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट करेंगी तो मैं आपको आपके बेटे को यहाँ से छोड़ देता हूँ। अगर कोऑपरेट नहीं करोगी तो आपके बेटे को यहाँ से लेकर के दो। नहीं सर कुछ भी करके मेरे बेटे को छुड़वा दीजिए सर, बहुत बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी आपकी। मैंने इसका एनकाउंटर कर देना है, बताओ जल्दी से अपने बेटे को छुड़वाना है। नहीं सर ऐसा कभी मत कीजिएगा सर, एक माँ के लिए आप समझ सकते हैं कितनी दुख की। मीडिया वाले से आने से पहले मेरी बात सुनो, अभी बात तो सुनो क्या कर रहा हूँ, बहुत बात तो सुनो मेरी। मीडिया वालों से आने से पहले मैं इसको यहाँ पर साइड पर किया हुआ, अगर मीडिया वाले आ गए, अगर ये सामने आ गया तो इसको मेरे भाई वो ले जाएंगे मीडिया वाले। अगर वो मीडिया वाले ले गए तो फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो अगर इसको छुड़वाना है तो आपको हमें 15,000 देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके बेटे को यहाँ से। सर तो 15,000 क्या कैश लीजिएगा या ऑनलाइन लीजिएगा? ऑनलाइन करना होगा। मैं आपको गूगल पे फोन पे नंबर दे रहा हूँ, उसमें नंबर पे डालो आप 15,000। अच्छा ठीक है, हाँ नंबर लिखो। हाँ बोलो। कितना टाइम लगेगा डालने में आपको? बस 2 मिनट सर। सर कुछ भी कीजिए, बस मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए सर, प्लीज जल्दी से करो ना, फिर जल्दी से करो। 93
सर फिर से, सर फिर से एक बार बोलिएगा नंबर। 93 65 97 54 61 अच्छा हाँ डालो, क्या नाम आ रहा है? रुक जाओ, अब गाली डाल तो दे रहे हैं लेकिन अभिषेक कुमार सही में वहां है। तो अभिषेक है तो आपकी बात करवा रहा हूं। अबे साले, तो यहाँ पर तेरा बाप बैठा है। अच्छा यहाँ पर हो तुम, ही बताओ ना तुम कहाँ से बात कर रहे हो। जो नंबर दिए हो ना सारा चीज रिकॉर्डिंग कर लिए बेटा, उसके बाद तुम अभी खुद तुम पुलिस के पास जाओगे। देखो गाइस कॉल कट कर दिया, और ये मेरी नहीं थी, मम्मी यहाँ साइड में बैठ के सबका आवाज सुन रही थी। स्टार्टिंग में क्या कॉल किया मम्मी? अभिषेक कुमार कॉल लगते हैं। अरे स्टार्टिंग में जब कॉल किया ना तो हम एकदम शॉक में चले गए, जब वो बोला ना कि आप अभिषेक कुमार की क्या लगती है, चार रेपिस्ट पकड़ाए लड़की पकड़ी गई है, उसमें से एक लड़की का ना थी नंबर में ना थी आपके जो भाई का नंबर आया है, तो उन्होंने बोला है कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, अभिषेक कुमार से बात होगी। कैसा कैसा स्कैम हो रहा है, हमको रेपिस्ट बना दिया और रोते हुए बात भी करवा दिया। हम जस्ट सो के उठे थे, पता है ऐसा शॉक वाला न्यूज मिला ना यार, हम बता भी नहीं सकते। हम अभी तक मेरा बॉडी, अरे तुम बाथरूम में हम नहा रहे थे और ये ऐसे आके चिल्ला के बोले ना कि ये कॉल आ रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। मतलब भाई फेक है यार, उसमें विश्वास मत करो, बाकी रिकॉर्डिंग तो कर लिया, आप लोग को भी दिखाते हैं यार। फिर भी बहुत डर गए थे हम, हमें लगा यार मेरे भाई के साथ कौन ऐसा प्रैंक कर रहा है। स्टार्टिंग में तो प्रैंक का कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन हमें क्या बताया उस टाइम का सीन हम बता और नहीं सकते। बताओ गाइस, मेरी मम्मी कैसे 15,000 रुपया भी नहीं दी, उसको देना चाहिए था, ऐसे रो रहे थे हम। तो ऐसे ऐसे व्हाट्सएप कॉल या फिर नॉर्मल कॉल पे विश्वास करके पैसा ना भेज दो, पहले चेक कर लो कि आपका बेटा कहाँ है और या फिर आपके घर के कोई भी आदमी कहाँ है सदस्य, और उससे पूछो कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तभी आप आगे का एक्शन लो। बाकी ये सारे फेक कॉल से तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग भी देख लो, आप लोग सतर्क हो जाओ इससे, वरना आपका ही कोई बेटा ऐसे ही रेपिस्ट बन जाएगा बिना कुछ।